आज हनुमानगढ़ जंक्शन में सीआरएस साहब जो ये विद्युतीकरण का जो काम चल रहा था उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए हैं, और आज जो हम ये चौथी पीढ़ी का इंजन देख रहे हैं, सबसे पहले वाईपी इंजन जिसको वो छोटा इंजन होता था बांडा इंजन बोलते थे, उसके बाद में स्टीम इंजन आया जो उससे काफ़ी बड़ा था, जो मेड इन इंग्लैंड था, जो 1960 से लेकर 72 तक हमने उसको देखा। उसके बाद में फिर डीजल इंजन आया तीसरी पीढ़ी का, और चौथी पीढ़ी के अंदर अब ये इलेक्ट्रिक इंजन आया है। अभी करीब एक घंटा पहले सीआरएस साहब आए, डीजल इंजन से आए थे, लेकिन अभी वापसी के अंदर बठिंडा साइड में ये इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन को लेके जाएंगे। हमने इसके लिए रेल अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसी के साथ हमें गांधीनगर से मेन बाज़ार में आने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, और अब ये विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा चुकी है, तो अब आने में बड़ी दिक्कत होगी, दुर्घटना भी हो सकती है। आज की यात्रा जो है ना, ये बठिंडा से लेकर के हनुमानगढ़ के बीच जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है उस बारे में था। तो सीआरएस साहब हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं, उनका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, तो वो आज इंस्पेक्शन में आए हुए हैं। एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है और दूसरा पार्ट अभी स्पीड ट्रायल का भी होगा, उसके बाद उसमें जो कमी बेसी है, जो जहाँ जहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, वो अपना बताएंगे कि इसको ऐसे करना है, सॉल्व करना है, फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करें कि जून उन तक जाते जाते हमारे पास ये ट्रेन यहाँ तक चलनी शुरू हो जाएगी। एक जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ का है जो कम्प्लीट हो गया आप बता रहे हैं? ये हनुमानगढ़ से बठिंडा वाला ये कम्प्लीट होगा, सेकेंड हनुमानगढ़ से थर्मल वो तो अभी समय लगेगा, लग रहा है वो लगे हुए हैं लोग, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो आज निरीक्षण जो है सीआरएस आपने कहाँ से? ये बठिंडा से हनुमानगढ़ का निरीक्षण है, मतलब एक तरह से। हाँ ये होता ही है, मतलब ये ट्रेडिशनल है कि आपको उसके बिना उनके क्लीयरेंस के हम लोग गाड़ियाँ नहीं चला सकते ना, कोई भी पैसेंजर ट्रेन बिना उनके सिग्नल के नहीं चल सकते। वो निष्कर्ष तो बाद में देंगे अभी अपना, वो समय लेगा क्योंकि 90 किलोमीटर का पोर्शन है, तो उन्होंने जो इंस्पेक्शन किया है और उन्होंने भी जो किया है वो सैंपल इंस्पेक्शन किया है,